सीक्रेट है वो ये है कि बैनुल जामियाती है, बैनुल रूमी है और बैनुल इस्लामी है। इस जमीयत की जो अमल कॉन्फ्रेंस है वो शायद पहली बार मुनक्किद हो रही है। मैं इस कॉन्फ्रेंस के इनकार और इसकी कामयाबी पर आपकी वाई फाई पेश करता हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे एक खास हैसियत में दावत दी। कल मुशायरे में भी मुझे सदर मजलिस का एजाज बख्शा गया और आज भी इस सेशन की मैंने सदारत की है। हकीकत तो ये है वो मेरे क्लास में कभी कभी वाइट बोर्ड पे लाइन खींचता हूँ और तालिबों से पूछता हूँ कि मुझे बताइए कि लाइन छोटी है या बड़ी है, तो कहते हैं हमारे पास तो कोई ऐसा पैमाना नहीं है। इसके साथ अगर आपकी बड़ी लाइन खींचेंगे तो छोटी हो जाएगी और इसके साथ अगर कोई छोटी लाइन खींचेंगे तो बड़ी हो जाएगी। तो हकीकत यह है कि हमसे पहले बहुत बड़े बड़े लोग थे। मुझे इस कॉन्फ्रेंस में मैं आया हूँ तो बहुत अच्छे बाद इसके कैंपस में आया हूँ तो क्या क्या शख्सियात आती थी, डॉक्टर कृष्णानी, डॉक्टर सागर लोरी, तो बस तो बड़ी लाइन लेने के लिए तो हम बड़े हैं। मैं तो अल्लाह करीम उनको उनकी मफरत करे, वो बहुत बड़ी लाइन थी, हम बस अपने छोटा सा किरदार अदा करने वाले हैं। इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे मकाले पढ़े गए, पेपर पढ़े गए, वबाएं जाहिर है कि इस दुनिया में आती रही हैं, इंसान उससे कई अंदाज में मुतासर होता रहा है। अदीबों ने अपना रद्द अमल अपनी कहानियों की सूरत में, अपने दास्तानों की सूरत में, अपनी नज़मों की सूरत में, अपनी नज़मों की सूरत में वो दिया है। अभी जो मकाले पढ़े गए मुझे डॉक्टर व्यास साहब का मकाला इस एतबार से बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने आलमी अदब में जो कहानियाँ लिखी गई बड़ी बड़ी डैनियल डेफो से लेकर तो कैथरीन पोर्टर तक आपने उनका जिक्र किया, फिर उर्दू में बेटी की आसानी का आपने जिक्र किया। मार्गरेट एटन एक नाम है उसके लिए एक बहुत शानदार उनका एक नॉवल है। कल हमने एक बहुत अच्छा मज़मून अल्बर्ट कैमियो के नॉवल प्ले पर जो है सुना है। तो बात यह है कि सवाल ये उठता है कि इन अदीबों ने इन गवाहों को मौजू क्यों बनाया, उनका नैरेटिव क्या था, वो क्या कहना चाहते थे, वो अपने कारी से किस लहजे में मुखातिब होना चाहते थे, ये वो बुनियादी सवाल आते हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए। आलमी अदब में डॉक्टर दास साहब ने कई कहानियों का जिक्र किया। ज़ाती तौर पर मुझे जो नावल पसंद आया है वो हौज़े सारमागो का ब्लाइंडनेस है। ये अभी एंड्रू कुश्ताक ने अंधे लोग के नाम से तर्जमा किया है। इस नावल में एक ऐसी वबा को मौजू बनाया गया है कि जिसका सामना इंसान ने कभी नहीं किया। एक तखयलाती वबा है नाबीना कि एक ट्रैफिक सिग्नल पे एक साहब गाड़ी जो है वो रोकते हैं और उसके बाद सिग्नल खुल जाता है लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है तो पूरे पीछे जो गाड़ियों में परेशान हो जाती हैं कि ये गाड़ी आगे क्यों नहीं जा रही, तो पता चलता है कि वो शख्स नाबीना हो गया है। तो उसको जो ही सामना कोई और करता है वो भी नाबीना हो जाता है और जो ये वबा जो है वो फैलना शुरू हो जाती है और लोग एक नाबीना से दूसरा जो है वो नाबीना होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर वो सारी फिजा दिखाई गई कि वो लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है, फिर क्वारंटीना में जो मसाइल पैदा होते हैं वो सारे दिखाए गए और आखिर में ये वबा जो है जैसे वबाएं खत्म होती है तो वबा भी खत्म हो जाती है। तो इस दौर के इख्तिताम में एक बड़े शानदार जुमले होता है, वो जुमला यह था कि हम अंधे नहीं हुए हम देख नहीं सकते थे। तो मैं कभी चुके मैं गजल का आदमी हूं तो मुझे कभी कभी गजल के पास चेयर पर डिमांड करते हैं तो बहुत सारा बातों का ये आखिरी जुमला है कि हम अंधे नहीं हुए थे लेकिन हम देख नहीं सकते थे, तो मुझे अकबर इलाहाबादी का शेर याद आता है कि हम लोग जा रहे हैं किधर देखते नहीं, आंख
ये हमारा बड़ा अलबिया है कि आखिर हमें खुदा ने आंखें दी हैं, हम देखते क्यों नहीं है। यहाँ तालिबान भी मौजूद हैं, उन्होंने तालिबान वो मजमून की जस्टिस जो है वो पढ़ा होगा, जिसके ऊपर शुरू बना दिया है कि खुदा अगर मुझे देखने को 3 दिन दे दे तो मैं उन 3 दिनों में क्या करूँगी। तो पूरा तंजिया किस्म का मजमून है। इसी तरह एक नॉवल अभी आया है खालिद जावेद का, एक खंजर पानी में। ये भी खालिद जावेद ने जिन्होंने नेमत खाना लिखा है और मौत की किताब जो है नॉवल लिखा है। तो एक खंजर पानी में भी वबा दिखाई गई है, एक बड़ी मोहे वबा है। आप उसको कह सकते हैं कि हैजे की वबा है, लेकिन वो हैजे से कहीं आगे की वबा है कि लोगों को मतली महसूस होती है। और ये वबा फैली है किसी गंदे पानी से और लोग परेशान हैं कि ये गंदा पानी कहाँ से आ रहा है और इस वबा की नोयत क्या है। चुनाचे आए रोज जो है वो लोग इस मतली का शिकार होते हैं, हैजे का शिकार होते हैं और किसी को समझ नहीं आ रही कि ये गंदा पानी कहाँ से आ रहा है। चुनाचे इससे एक साहब जो तहकीक शुरू करते हैं और देखते हैं कि जहाँ से ये पाइप आ रहे हैं वहां से देखता हूँ गंदा पानी कहाँ से आ रहा है। लेकिन जब वो तहकीक शुरू करता है, जाने लगता है, उसे मार दिया जाता है। ये तो उसकी तहकीक जो है वो रुक जाती है और लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। तो होने सारे मालों का नाम ब्लाइंडनेस और एक खंजर पानी में जब मैं दोनों को देखता हूं तो मुझे बात समझ में आती है कि ये नावल जो है ये वबाओं को महज मौजू बना के इसके पीछे बात कुछ और हमें अतीत जो है वो कहना चाहते हैं। अल्बर्ट कैमू ने भी अपने नावल में यही किया कि ये जो ताउन की वबा है, ताउन की वबा नहीं है बल्कि हम पर जो हमला होते हैं और वो हमें मुसलसल मारते जाते हैं और उस वक्त में मारते जाते हैं जब तक कि खुद सारे के सारे ना मर जाए। तो हम सबने इस तरह की एक वबा का सामना किया है, लोगों ने हमें मारा है और जब तक कि वो खुद नहीं मरे हैं तो उस वक्त तक वो हमें मारते गए हैं। बात यह है कि वबा सिर्फ वो नहीं होती है जिससे हमें तिब्बी तौर पर आगाह किया जाता है कि वबा आ गई है और आप इससे बचें। बहुत सारे समाजी, सियासी, आलमी वबाएं ऐसी होती हैं कि हमें उनसे तिब्बी तौर पर आगाह नहीं किया जाता लेकिन वो वबाएं मौजूद होती हैं और मुसलसल फैलती हैं। यानी अगर जाती तौर पर मुझसे पूछा जाए कि इस वक्त बुनियादी मसला क्या है हमारे समाज का, किस वबा का हमें सामना है, तो वो खौफ की वबा है, वो पाबंदी इजहार की वबा है। हमारे अदीब पर पाबंदी इजहार है, हमारे सहाफी पर पाबंदी इजहार है, हमारे शायर पर पाबंदी इजहार है। तो मैंने ऐसे वबा नहीं कहा। आप देखिए कि जो वबा आती है हम मास्क लेते हैं, तो इन वबाओं में भी हमारे सहाफी, हमारे अदीब वो अपना मुंह छुपाते हैं। जिस तरह वबाओं में सोशल डिस्टेंस होती है तो मैंने देखा है कि खौफ की फजा में भी लोग एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, एक दूसरे के करीब नहीं आते, कहीं एक बंदा मुझे नुकसान ना पहुंचाते, कहीं मुझसे उसको नुकसान ना पहुंचाए। जिस तरह गवाओं में क्वारंटाइन होते हैं लोग, तो हम भी इसी तरह खौफ की फजा में क्वारंटाइन होते हैं, अपने आप को बंद करते हैं। बहुत खूब है। तो अहले हाजर का मसला मैं नहीं समझता कि कोई कोरोना वबा है इस तरह के। अच्छा, कल डॉक्टर शरीफ खान साहब ने कहा कि इस कोरोना वबा से हमें फायदे लिए आपने, बहुत दिलचस्प बात है कि हमने इसको कुछ शक्ति में बड़े फायदे लिए। लेकिन अगर आप एक जुमला जरा सा हजम कर लें तो मैं बताता हूँ कि हमें इसका एक बड़ा फायदा ये हुआ है कि यूनिवर्सिटियों को तहकीक का एक मौजू मिल गया है। अब मकाले लिखे जा रहे हैं, एम फिल सतह के, पी एच डी सतह के रिसर्च पेपर लिखे जा रहे हैं। देखिए ये एक बड़ी संजीदा मौजू पर कॉन्फ्रेंस थी। सोशल मीडिया के अदब के असराज और मुआशरे के असराज को 4 मकाले पढ़े गए, इरेलेवेंट मकाले भी पढ़े गए। तो देखिए मैं इस तरह का बात ही करना चाहता हूँ लेकिन कम से कम हमारे नए दोस्तों को मकाले, हिंदी मकाले में, मजमून में, कॉलम में, प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा फर्क करना चाहिए। यहाँ मैंने उन बुजुर्ग साहब को थोड़ा सा रोक तो दिया लेकिन वो बात गलत ही कर रहे थे। यहाँ थोड़ा सा हमें पता चलना चाहिए कि प्रेजेंटेशन क्या होती है। आप बताइए, मेरा रिसर्च क्लस्टर ये था, मेरा हाइपोथेसिस ये था, मैंने उसको हल करने के लिए टूल इस्तेमाल किए हैं, मेरे ये नतीजे तहकीक हैं। और थैंक यू वेरी मच। हम वो जो हमने बरसात
लिखना था, तो हमारा जो एक उम्मीद वो ये स्टाइल चल आ रहा है कॉलम लिखने का, ये मजमून लिखने का, वो हम तहकीकी मकालों में भी बताते हैं, हम प्रेजेंटेशन में भी बताते हैं। तो बात ही मेरी चंद एक मतलब गुजारिशात थी, और बतौर सदर मजलिस ज़ाहिर है इंसान को कुछ ना कुछ कहना होता है, तो मैंने भी दिया आपके सामने चंद कलमात कह रहे हैं। अगर मेरा कोई जुमला किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब मैं आपकी गुफ्तगू को खत्म करूंगा कि कह आए